हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है सैमसंग डिस्प्ले कंपनी की तरफ से। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एक मोबाइल कंपनी में जॉब करने के लिए या नोएडा में जॉब करने के लिए और जो मोबाइल डिस्प्ले कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। पूरी जानकारी देने वाला हूँ, सैलरी कितने मिलेगी, जॉब लोकेशन कहाँ पे रहने वाला है, कहाँ पे कैंपस लगेगा, कब कैंपस लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर सैमसंग लिखा हुआ मिल जाएगा, सैमसंग डिस्प्ले। यहाँ पर बताया गया है सैमसंग डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है 2022 में। इसके नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखा है सैमसंग डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड कैंपस प्लेसमेंट 2022 फ्रेशर आईटी पास अप्रेंटिस जनवरी 2022। बताया गया है 2022 में अप्रेंटिस के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ने आईटीआई पास कर रखा है वो इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई भी डिमांड नहीं की गई है। तो इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कंपनी का नाम बताया गया है, कंपनी का नाम है सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी नोएडा में है, तो सैमसंग डिस्प्ले इस कंपनी का नाम है। यहाँ पे कंपनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.samsungdisplay.com। ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट पोजीशन या डेजिग्नेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अप्रेंटिस का रहने वाला है। आपको अप्रेंटिस कराएगी कंपनी। और यहाँ पे जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोएडा आपका जॉब लोकेशन रहेगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, जितने भी कैंडिडेट कैंपस ज्वाइन करेंगे, उन सभी कैंडिडेट को नोएडा में जॉब करने को मिलेगा। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। 8 घंटे के आपको 10,410 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th+ ITI मांगा गया है। ITI में आपके पास जो मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन फिटर वायरमैन ICTSM RAC ये सभी ट्रेडें आपकी एलिजिबल होंगी। इन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो आप इसमें जा सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। जब आप कैंपस जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जैसे कि आपको 10th का मार्कशीट लेकर जाना है, ITI की मार्कशीट लेकर जानी है, आधार कार्ड, वोटर ID, इसके बाद पैन कार्ड। अगर वोटर ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाएंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 5 से 6, और इनके जो जेरोक्स हैं और ओरिजिनल दोनों प्रकार के आपको लेकर जाने हैं, और ताकि आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो, उनके फोटोकॉपी भी करा के आपको ले जाने हैं। कैंपस डिटेल की यहाँ पे बात करें, कैंपस कहाँ पे लगने वाला है तो 29 जनवरी 2022 को यहाँ पे कैंपस लगने वाला है। टाइम यहाँ पे 10 बजे दे रखा है, आपको 10-11 बजे तक कैंपस में पहुँच जाना है। कैंपस की अगर बात करें यहाँ पे तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आगरा, जो आगरा का सरकारी ITI कॉलेज है, यहाँ पे इसका कैंपस प्लेसमेंट 19 जनवरी 2022 को किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं डिस्प्ले कंपनी में, सैमसंग डिस्प्ले कंपनी में जॉब करने के लिए, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। जिस कैंडिडेट के कुछ भी क्वेश्चन है वो अभी मैं 20 मिनट बाद 5 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो वो लाइव आके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।